आज हम लोग फॉरगेटिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे कि फॉरगेटिंग क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं और हम कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग। देन हम पढ़ेंगे थेरीज और हम किस तरह से उसको बहुत अच्छा मेमोराइज कर सकते, इफेक्टिव कैसे कर सकते, उस सब के बारे में क्या करेंगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं क्या डेफिनेशन देखते हैं कि फॉरगेटिंग क्या होता है। तो सिंपल सा डेफिनेशन, फॉरगेटिंग मतलब किसी चीज़ को भूल जाना। तो जो हमने प्रीवियसली क्या किया है, लर्न किया है और उसे हमें रिकॉल नहीं कर पाना, वो क्या होता है फॉरगेटिंग। ये तो इसमें फर्स्ट डेफिनेशन देखते हैं क्या लगा है। फॉरगेटिंग इज़ द लॉस कॉमा परमानेंट और टेम्परेरी ऑफ द एबिलिटी टू रिकॉल और रिकॉग्नाइज समथिंग लर्न। तो जो भी हमने प्रीवियसली लर्न किया है उसे क्या करना, रिकॉल नहीं करना, रिकॉग्नाइजेशन नहीं करना, या उसको क्या करना, रिमेम्बर नहीं कर पाना, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं फॉरगेटिंग। जैसे कि हमने कुछ भी पढ़ा या कोई प्रोसीजर सीखा तो हमें क्या है, एक सिचुएशन आ गई जब हमें वो प्रोसीजर करना है या वो क्वेश्चन का आंसर करना है, तो वो क्या होगा, हम उसे आंसर नहीं कर पा रहे, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं फॉरगेटिंग बोलते हैं। मतलब किसी भी कंटेंट को जो हमने सीखा है उसे भूल जाने वाली स्थिति को हम क्या बोलते हैं फॉरगेटिंग बोलते हैं। किसके अकॉर्डिंग था, मुन के अकॉर्डिंग। सेकंड डेफिनेशन देखते हैं, फॉरगेटिंग मीन्स फेलियर एट एनी टाइम टू रिकॉल एन एक्सपीरियंस व्हेन अटेम्प्टिंग टू डू सो और टू परफॉर्म एन एक्शन प्रीवियसली लर्न। तो हमने जो भी प्रीवियसली जो भी एक्शन सीखा है, जो भी कंडीशन लर्न की है, उसे क्या करना, रिकॉल नहीं करना, उस टाइम पर उसको प्रेजेंट नहीं कर पाना, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं फॉरगेटिंग। मतलब जो भी हमने पास्ट, जो भी हमने क्या किया हुआ पास्ट में सीखा है, जो भी हमने सीखा है उसे इन फ्यूचर में या कभी भी नीड होने पर उसे क्या करना, प्रेजेंट नहीं कर पाना, या उसके लिए अगेन लिए रिकॉल नहीं कर पाना, या उसको या रिमेम्बर नहीं कर करने की कंडीशन को हम क्या बोलते हैं फॉरगेटिंग बोलते हैं। मतलब जो भी हमने पहले सीखा उसे क्या करना, उसको दोबारा से याद नहीं कर पाना या रिमेम्बर नहीं कर पाना, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं फॉरगेटिंग बोलते हैं। ये किसके अकॉर्डिंग था, ड्रेवर के अकॉर्डिंग। सेकेंड एक नेक्स्ट हम देखते हैं क्या कि टाइप के क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ फॉरगेटिंग। को मेनली क्या होता है, मेनली टू टाइप्स की होती है फॉरगेटिंग, कौन कौन से, एक नेचुरल होता है, एक होता है आपका मॉर्बिड फॉरगेटिंग। तो ये दो होते हैं, कौन कौन सा, नेचुरल एंड मॉर्बिड फॉरगेटिंग। तो फर्स्ट हम देखते हैं नेचुरल। तो हम कुछ कंटेंट को हम नेचुरली क्या करते हैं, भूल जाते हैं कुछ भी चीज़ों को। जैसे कि हम कंटिन्यू कभी भी किसी भी वर्ड्स को या किसी भी गेम्स को, जैसे कि कोई भी क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट रहे हैं और वो क्या है उस क्रिकेट को खेलना बंद कर दें या उसको कभी भी यूज़ नहीं करते, एक टाइम पर हम क्या करेंगे वो खेलना भूल जाएंगे। या हम कोई भी वर्क है जिसको हमने क्या किया है नेचुरली ऑटोमेटिक, उसका ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं, कभी भी वो हमारे लिए यूज़ नहीं, कुछ भी हमने सीखा उसका हम ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे, या उसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है, उस कंडीशन हम क्या करते हैं किसी भी कंटेंट को भूल जाते हैं या फॉरगेट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं क्या, नेचुरल फॉरगेटिंग। एक होता है आपका मॉर्बिड फॉरगेटिंग। मॉर्बिड फॉरगेटिंग जिसे हम अपनी इच्छा से भूलने की कोशिश करते हैं, जैसे कहीं ना कहीं कोई हादसा जिसकी वजह से हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, या हम किसी भी कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ हो जिसे हम भूलना चाहते हैं, वो क्या होता है आपका मॉर्बिड फॉरगेटिंग। मतलब कोई भी इंसिडेंस, ऐसा टाइप का इंसिडेंस जो कभी ना कभी आपके साथ हुआ है, बट हम कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं आपको क्या करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, या कहीं ना कहीं वो एक इमोशनली कहीं ना कोई स्ट्रेस या डिप्रेशन वाली कंडीशन में पहुंचा सकता है, उस टाइप को क्या करना, उस टाइप की कंडीशन को क्या करना, भूलना, उसको हम क्या बोलते हैं मॉर्बिड फॉरगेटिंग। तो मेनली कितने टाइप्स की होती है फॉरगेटिंग, टू टाइप्स की होती हैं, एक होता है नेचुरल, एक होता है आपका मॉर्बिड। नेचुरल मतलब किसी भी कंटेंट को कंटिन्यू यूज़ ना करने पर उसको भूल जाना, या उसको कंटिन्यू उसको क्या करना, उसे हम प्रोसेस में नहीं या कंटिन्यू अपनी वर्किंग लाइफ में यूज़ नहीं करते हैं तो हम क्या करते हैं उस कंटेंट को भूल जाना, उसको फॉरगेट करना, वो क्या होता है आपका नेचुरल फॉरगेटिंग। एक नेक्स्ट आपका क्या था, मॉर्बिड फॉरगेटिंग। मॉर्बिड मतलब हम जो अपनी इच्छा से किसी कंटेंट को भूलने की कोशिश करना है, जो कहीं ना कहीं हमारे लिए स्ट्रेसफुल हो सकता है, जो कहीं ना कहीं हार्मफुल था, उसे हम क्या करते हैं भूलने की कोशिश करना, तो उसको हम बोलते हैं क्या, मॉर्बिड फॉरगेटिंग। तो ये थे टाइप्स। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग, के क्या क्या कॉज होती हैं, किस वजह से क्या है हम किसी भी चीज़ को क्या करते हैं भूल जाते हैं, या क्या क्या रीज़न होता है जिसकी वजह से हम किसी भी कंटेंट को क्या करते हैं रिमेम्बर नहीं कर पाते, हमारी मेमोरी में स्टोर है बट उसे हम क्या रिकॉल नहीं कर पाते, कौन कौन से रीज़न है। तो फर्स्ट है आपका लॉस ऑफ इंटरेस्ट। तो आपने कोई भी प्रोसेस अच्छे से इंटरेस्ट के साथ नहीं सीखा होगा या लर्न नहीं किया है, उस कंडीशन में क्या करते हैं उस कंटेंट को क्या होता है ईजिली या बहुत जल्दी क्या कर जाते हैं फॉरगेट हो जाता है या भूल जाते हैं।
लैक ऑफ मोटिवेशन। तो हमें किसी भी चीज़ को सीखने के लिए प्रॉपरली मोटिवेट नहीं किया जाए या हम उसके लिए मोटिवेट नहीं है, जैसे कि आपको इंटरेस्ट नहीं है उस चीज़ में या उसके लिए आप मोटिवेट नहीं है ना, आपको मोटिवेट नहीं किया गया है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप उस चीज़ को क्या होगे, भूल जाओगे। नेक्स्ट है रिट्राइवल प्रॉब्लम। तो आप किसी भी चीज़ को जो हमने सीख लिया बट उसे क्या कर रहे हो, रिमेंबर नहीं कर पाया, उसको रीयूज नहीं कर रहे हो। जैसे कि हमने कोई भी चीज सीखा, स्टोर कर लिया, स्टोर करने के बाद क्या है, उसे क्या करना, रिमेंबर करना, जिससे कि जरूरत पड़ने में उसे आसानी से सुना याद रख सकें या उस कंप्लीट कर सकें। तो क्या होता है आपका रिट्राइवल, मतलब उस चीज़ को रिट्राई नहीं कर पाना, उस कंडीशन में भी क्या होता है, हम किसी भी कंटेंट को ईजिली भूल जाते हैं। नेक्स्ट है फॉल्टी मेमोरी प्रोसेस। जो भी मेमोरी फॉल्ट में कोई ना कोई फॉल्ट है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, या प्रॉपरली हम किसी चीज़ को अच्छे से स्टोर नहीं कर पाया, उस कंडीशन में भी क्या होता है, काफ़ी कंटेंट को हम भूल जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, फिजिकली डैमेज। तो फिजिकली कोई ना कोई इंजरी हो जाना या कोई ना कोई इंजरी हो जाना, इसके वजह से हम क्या करते हैं, काफ़ी कंडीशन को भूल जाते हैं। एक साइक क्या होता है, एक डिसऑर्डर होता है एमनेशिया, उसमें क्या होता है, हम किसी भी कंडीशन को क्या करते हैं, कोई भी चीज़ को भूल जाने वाली कंडीशन को क्या बोलते हैं, एमनेशिया। तो इसमें होता है नेक्स्ट जेनेटिक फैक्ट, कोई ना कोई जेनेटिक कॉजेज भी हो सकता है जिसकी वजह से क्या होता है, आप भूल सकते हैं। जैसे कि कहते हैं कुछ शॉर्ट टर्म मेमोरी, मतलब कुछ छोटे कम समय का भूल जाते हैं, कुछ बहुत लंबे समय का भूल जाते हैं। तो कोई कोई जेनेटिक कॉज भी हो सकता है, कहीं ना कोई जेनेटिक ऑटोसोमल एबनॉर्मलिटी की, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, काफ़ी चीज़ों को क्या करते हैं, भूल जाते हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ रेडीनेस टू रिकॉल। तो हम किसी भी चीज़ को रिकॉल करने के लिए तैयार नहीं है या रेडी नहीं है, उस कंडीशन में भी क्या होते हैं, हम कंटेंट को ईजिली फॉरगेट हो जाता है। तो ये क्या थे, कुछ कॉजेस थे जिसकी वजह से हमने जो भी लर्न करके स्टोर किया है उसे हम रिकॉल नहीं कर पाते या उसे हम भूल जाते, जब ब्रेन से क्या हो जाता है, वो इरेज हो जाता है, उस कंडीशन में क्या बोलते हैं। तो क्या क्या कॉजेज थे, एक तो प्रॉपर अगर किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है जब हम भूल जाएंगे, या हमें मोटिवेशन नहीं किया है उसके अगेंस्ट, जब भी हम क्या कर सकते हैं, कंटेंट को भूल सकते हैं, या हमारे रिट्राइवल प्रॉब्लम से हम किसी भी चीज़ को क्या कर सकते हैं, रिट्राई नहीं कर पा रहे हैं, जब भी भूल सकते हैं, जितना प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से हम उसे लर्न पर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, या मेमोरी प्रोसेस में कोई ना कोई फॉल्ट है या कोई ना कोई प्रॉब्लम जिससे हम किसी भी चीज़ को सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं हमें याद नहीं आ रहा। नेक्स्ट फिजिकली डैमेज, कोई ना कोई फिजिकली प्रॉब्लम है उस कंडीशन में भी। नेक्स्ट क्या है आपका जेनेटिक, कोई ना कोई जेनेटिक कंडीशन है उस वजह से भी हम क्या करते हैं, काफ़ी चीज़ों को भूल जाते हैं। या फिर लैक ऑफ रेडीनेस टू रिकॉल, किसी भी कंटेंट को रिकॉल करने के लिए हम रेडी नहीं होते, देन उस टाइम पे भी हम काफ़ी कंटेंट को क्या करते हैं, फॉरगेट हो जाता है। तो ये था आपका क्या कॉजेज। नेक्स्ट हम देखते हैं थेरीज ऑफ फॉरगेटिंग। तो कुछ थेरीज हैं जिसकी जो साइंटिस्ट ने दिया, उन्होंने बताया कि इस इन रीज़न की वजह से क्या करते हैं, हम भूल जाते हैं, या कुछ थेरी से बोला कुछ रूल रेगुल। तो क्या था फर्स्ट है दी ट्रेस एंड डिके थेरी। दी ट्रेस एंड डिके थेरी में सिंपल सा आपको वर्ड से मतलब ट्रेस एंड डिके, तो हमारे माइंड में कुछ भी किसी भी सिचुएशन में हम क्या किसी भी चीज़ को ट्रेस नहीं कर पा रहे, हमारे ब्रेन में स्टोर है बट कहीं ना कहीं क्या हो गया, उसे ट्रेस नहीं कर पा रहे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है या काफ़ी लॉन्ग टाइम से हमने उसको यूज़ नहीं किया है, कहीं ना कहीं लर्न है बट हमें काफ़ी टाइम से उस चीज़ को क्या किया है, यूज़ नहीं किया या उसको प्रैक्टिस नहीं किया, तो हम क्या होगा काफ़ी टाइम से उसे ट्रेस नहीं कर पाते और उसे रिमेंबर नहीं हो पाते, उस कंडीशन को हम बोलते उस थेरी को हम बोलते हैं कि दी ट्रेस एंड डिके थेरी। मतलब कहीं ना कहीं किसी भी कंटेंट, जो भी प्रोसेस आपने लर्न किया है, जो भी सीखा है, उसे क्या कर रहे हो आप, ट्रेस नहीं कर पा रहे। जैसे सिंपल सा हमने कोई भी डाटा कंप्यूटर में या सिस्टम में क्या किया है, हमने सेव कर दिया बट कहीं ना कहीं हमने जो भी उसको फाइल, जिस भी नाम से फाइल से सेव किया बट हम क्या है उसको ट्रेस नहीं कर पाया, वो फाइल का नाम निकल गया तो हम क्या है कंप्यूटर में उसको ट्रेस नहीं कर पाना, वो कहीं ना कहीं मिल नहीं है बट कहीं ना कहीं हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं, उस कंडीशन को, उस थ्योरी को बोलते हैं क्या, दी ट्रेस डिके थ्योरी। सेकंड वन देखते हैं दी थ्योरी ऑफ इनहिबिशन। इनहिबिशन मतलब कोई भी इसमें क्या ट्रेस है कब, पर इनमें क्या है बहुत ही ज़्यादा इनहिबिट, मतलब वो बिल्कुल ही छुप गया है, जिसे हम बहुत ज़्यादा ट्राई करने पर, बहुत ज़्यादा कोशिश करने पर भी हम उसे रिमेंबर नहीं करते। फर्स्ट वाले में क्या होता है कभी कभी हम उस चीज़ को रिमेंबर कर पाते हैं पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बट इसमें क्या होता है कभी भी बहुत टाइम होने के बाद भी या किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा इनहिबिट, मतलब छुप जाना बहुत अच्छे से क्या हो जाता है ना, वो बहुत ज़्यादा ही क्या हो जाएगी, कोई भी कंटेंट में जो लर्न किया है वो क्या हो जाएगा बहुत ज़्यादा छुप जाएगा, जिसे हम इजीली क्या करेंगे सर्च नहीं कर पाएंगे, इसकी वजह से भी क्या हो जाता है हम, ये थ्योरी था। नेक्स्ट है आपका रिप्रेशन थ्योरी। तो मतलब कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस कंडीशन हो जाना या किसी ना किसी इंजरी की वजह से क्या होना, कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाए पेनफुल, जिसकी वजह से हम क्या कर जाते हैं
किसी भी कंटेंट को भूल जाते हैं और उसे हम लर्न नहीं या अनकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। कोई भी कंटेंट है वो किस में चला गया, अनकॉन्शियस ब्रेन में चला जाता है। हम कितना भी कोशिश करें बट हम उसे क्या है रिमेंबर नहीं कर सकते। लेकिन बट जो दो थ्योरी हैं उनमें कहीं ना कहीं कोई भी ना कोई कंटेंट को हम कुछ समय बाद क्या कर सकते हैं रिमेंबर कर सकते हैं। बट लास्ट वन में अगर कोई भी कंटेंट हमने लर्न किया है कुछ भी टॉपिक उसे हम इजीली रिमेंबर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं टेक्निक्स फॉर इफेक्टिव मेमोराइजेशन। तो हम कौन कौन सी टेक्निक होंगी जिससे हम इजीली क्या कर सकते हैं कंटेंट को मेमोराइज मतलब रिमेंबर या याद कर सकते हैं या मेमोरी में इजीली मेमोराइज या उसको द्वारा से याद कर सकते हैं या उसे इजीली ब्रेन में रिमेंबर कर सकते हैं। कौन कौन से फैक्टर होंगे, तो फर्स्ट है रिपीटेड रेसिटेशन। रिपीटेड रेसिटेशन मतलब जो भी टॉपिक है या जो भी चैप्टर है जितना ज़्यादा हम उसको क्या करेंगे अभ्यास करेंगे प्रैक्टिस जितना ज़्यादा उसको पढ़ेंगे तो वो हमारे ब्रेन में क्या होता जाएगा इतना ही ज़्यादा सेव होता जाएगा। तो जो भी टॉपिक जो भी यूनिट है जो भी लेक्चर है जो भी कोई भी प्रोसेस है जितना हम उसको क्या करेंगे उस पार्ट को या जो भी है उसको अच्छे से जितना ज़्यादा रिपीट करेंगे उतना क्या होगा हम इजीली उससे क्या कर सकते हैं मेमोराइज कर सकते हैं। ओवर लर्निंग मतलब किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा लर्न करना, ओवर लर्निंग मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ना या उसको बहुत ज़्यादा सीखने की कोशिश करना किसी भी चीज़ को जैसे कि राइडिंग है स्विमिंग है इनको बहुत जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस जितना ज़्यादा सीखने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा ये परफेक्टली हमारे ब्रेन में सेव हो जाएंगे और ईजिली हम उनको रिमेंबर कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रैक्टिस। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे जितने अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे उतना ईजिली और उतनी जल्दी हम किसी भी कंटेंट को रिमेंबर कर सकते हैं। अगर प्रैक्टिस नहीं किया जैसे कि मैथ का कोई भी इक्वेशन है कोई भी मैथ के सवाल हैं जो भी हैं उनको हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं कोई भी प्रोसीजर है जितना जैसे कि आई बी लगाना आई एम लगाना कोई भी ड्रग देना कैलकुलेशन निकालना कुछ भी जिसको हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे जैसे कि ड्रग कैलकुलेशन निकालना वो भी एक एमजी वगैरह ये आज इजीली हम कब कर सकते हैं जब तक हम उसमें ज़्यादा प्रैक्टिस जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ईजिली हम किसी भी चीज़ को अच्छे से लर्न कर सकते हैं या रिमेंबर कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिलेक्शन। अगर आपने जो भी कंटेंट सिलेक्ट किया है सिलेक्शन बहुत अच्छे से किया है ऐसा नहीं कि इतना हो कि आपको वो चीज़ समझ नहीं आ रही या प्रॉब्लमेटिक है तो जितने अच्छे से आपने सिलेक्शन किया हो तो उस बेस पे भी हम क्या कर सकते हैं उस कंटेंट को बहुत अच्छे से मेमोराइज कर सकते हैं। जैसे कि शॉर्ट टाइम हम एक शॉर्ट ही कंटेंट को इजीली लर्न कर सकते हैं हमने सिलेक्शन बहुत ज़्यादा कर लिया तो वो कहीं ना कहीं फॉरगेट होगा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा और हम उसे रिमेंबर नहीं करते। एक सिलेक्शन भी बेटर होगा तो हम क्या कर सकते हैं किसी भी चीज़ को अच्छे से मेमोराइज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है आपका यूजिंग मेनोमोनिक्स। क्या है मेनोमोनिक्स, मेनोमोनिक्स मतलब क्या होता है किसी भी चीज़ को जैसे कि हम कभी भी रैंडमली कभी भी उस चीज़ को याद करना रिवाइज करना हमारे पास कुछ भी नहीं है हम कहीं जा रहे हैं घूम रहे हैं बैठ रहे हैं उस समय भी किसी भी चीज़ को दोबारा से अपनी ब्रेन में रिवाइज करते रहना वो क्या होता है आपका यूजिंग मेनोमोनिक्स। मेनोमोनिक्स मतलब किसी भी अपनी स्मृति या मेमोरी में किसी भी कंटेंट को क्या करना कंटिन्यू हम कोई वर्क भी कुछ भी वर्क कर रहे हैं उस समय उस इक्वेशन को या उस प्रोसेस को रिमेंबर करते रहना उसको रिवाइज करते रहना तो हम भी इस चीज़ को इजीली क्या कर सकते हैं लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं इजीली रिमेंबर या मेमोराइज अच्छे से जल्दी से रिमेंबर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशन। तो हम किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइजेशन करेंगे जैसे कि हमने बाइक चलाना सीख लिया और उतनी बार करते रहेंगे तो हम उसको ज़्यादा अच्छे से करते सीख जाएंगे और परफेक्टली उसे कर भी सकते हैं। जैसे कि आई एम एक बार लगा लिया या आपको थ्योरिकल बता दिया कि यहाँ इली क्रस्ट पे थंब रखना है देन आपको बैक में जो भी पूरा प्रोसेस या बटक्स को फोर पार्ट में डिवाइड करना है देन हमें पुट करना है तो आपको ये क्या है थ्योरेटिकल दे दिया बट आपने उस चीज़ को कभी अप्लाई नहीं किया तो उस कंडीशन में क्या कभी ना कहीं गलत कर सकते हैं। लेकिन आपने क्या किया रिकॉग्नाइज उस चीज़ को अप्लाई किया उसको अच्छे से करने की कोशिश की ट्राई किया तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं ईजिली उसको क्या कर सकते हैं मेमोराइज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं किसी भी कंडीशन को मेमोराइज कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने किसमें फॉरगेटिंग के अंदर डेफिनेशन के बारे में देखा देन टाइप्स के बारे में पढ़ा साथ साथ हमने क्या पढ़ा कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग भी पढ़ा और थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग भी। नेक्स्ट टेक्निक्स पढ़ा जिससे हम बहुत अच्छे से मेमोराइज कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने फॉरगेटिंग के बारे में डिस्कशन किया। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको किसी को कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।